नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी YouTube चैनल स्टडी एग्जाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी एम्स भोपाल की तरफ से यहां पर आपको देखने को मिल रही है। एम्स भोपाल की नॉन फैकल्टी नॉन टीचिंग फैकल्टी है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस वैकेंसी में पद बता देते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे पे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पदों की अगर बात करें तो सोशल वर्कर का पोस्ट है यहाँ पर, और ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की भी मल्टीटास्किंग पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है, स्टेनोग्राफर की है, ड्राइवर की है, जूनियर वार्डन जो हाउसकीपर होता है उसकी वैकेंसी यहां पर निकली हुई है, जो रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट होते हैं उनकी वैकेंसी निकली हुई है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जूनियर स्केल ऑफ जो स्टेनो होता है हिंदी उसकी वैकेंसी निकली हुई है, स्क्रूटनी कम फायर जमादार की वैकेंसी हुई निकली है यहां पर, और स्टोर कीपर कम क्लर्क की वैकेंसी भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। टोटल पदों की अगर बात कर ले तो टोटल पद 233 निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए इनको हम डिवीजन वाइज और कैटेगरी वाइज बता देते हैं कितने पद हैं, इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, इनके लेवल क्या क्या हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें स्टोर अटेंडेंट की, हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 40 पद हैं, 32 पद निकले हुए हैं आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज बताए हुए हैं जनरल एस टी एस सी ओ बी सी में, 32 पद के बाद 34 इसमें पोस्ट हैं। 16 पद की बात करें हम, 16 पद यहाँ पर ड्राइवर में है, जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग की बात करें 10 पद यहाँ पर, 8 पद हैं आपके हॉल अटेंडेंट्स के, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट और लोअर यूडीसी की बात करें तो वो टोटल 2 पद हैं, 2 पद हैं आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के, जूनियर स्केल स्टेनो की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 पद है, 1 पद आपका कम्युनिटी कम फायर जमादार और स्टोर कीपर कम क्लर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद जो हैं स्टोर कीपर कम क्लर्क के हैं, 85 पद यानी कि 85 पद हैं, 233 पदों की बात कर रहे हैं हम आप यहाँ पर। और इसमें अगर बात करें हम आपका ग्रे पेड वगैरह हमने ऊपर ही बता दिया, वहाँ पर लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी और ये कहाँ पर देखी जाएगी, तो aimsbhopal.edu.in पर जब देखी जाएगी। 6-4 ये जो वैकेंसी है ये आपकी 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 6-10 से 30-10 तक रहेगी इसकी एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है ना। ये वेबसाइट दी हुई है aimsbhopal.edu.in, ठीक है। अब हम बता दें इसमें सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, बिल्कुल भी आप स्किप ना करेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। आप सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.25 की, 35% जो लाना पड़ता है वो तो रहेगा ही रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 90 मिनट में करना रहेगा। आपको यहाँ बता दें हम जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको रहेंगे, कितने कितने रहेंगे वो बताते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, और आपका रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल कंप्यूटर में एमएस ऑफिस एमएस वर्ड इंटरनेट के क्वेश्चन रहेंगे, सीएसएस ये नया जोड़ा गया है 364 और 1972 सीएसएस लीव वाला और कंडक्ट वाला, जिसके क्वेश्चन के पेपर इसके वही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के अलावा यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी हम देंगे। यहाँ पर एस टी एस सी को 5 साल को, ओबीसी को 3 साल का एज का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का एज का रिलैक्सेशन जो रहता है वो रहने ही वाला है, इसमें कोई भी आपको यहाँ पर कटौती नहीं मिलेगी। और इस समय बता दें हम आपको फीस के बारे में बता दें तो 1200 रुपये फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, फॉर्म भरने से पहले अच्छे से देख लेना है, आपको फॉर्म के साइज़ वगैरह जो आप खोलेंगे फॉर्म को तो वहाँ पर सब लिखा जाएगा। यहाँ पर सारी जानकारी आपको लिखी दिख रही है, किसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई, सोशल वर्कर के लिए आपको 12th मांगा गया है, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 18 से 35 लिमिट है। स्टोर अटेंडेंट की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग में 10वीं या फिर आईटीआई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 10वीं आईटीआई किसी के पास भी अवेलेबल होता है, 30 साल तक लिमिट है। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी 30 साल तक एज लिमिट है, आपको 12वीं पास मांगा गया है और टाइपिंग आना चाहिए 30 बार पर मिनट की या 35 बार पर मिनट की, हिंदी में 30 की और इंग्लिश में 35 की आनी चाहिए, दोनों में से एक चाहिए रहेगी, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपको यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, 80 बार पर मिनट का, 12th के साथ 80 बार पर मिनट आपको डिक्टेशन लिखना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें 50 बार पर मिनट इंग्लिश में या 65 हिंदी में आनी चाहिए आपको। आपको बात करें ड्राइवर की, ड्राइवर में आपको 10वीं बोला गया है और हैवी प्रॉब्लम जो लाइसेंस होता है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 18 से 27 एज लिमिट है। जूनियर वार्डन की बात करें तो हाउस कीपर की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 30 से 45 एज लिमिट इसमें रखी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। इसके बाद बात करें रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की बात करें तो 12वीं के साथ साथ आप 12वीं में 1 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो 10वीं के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, स्पष्ट रूप से आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको
इसके अलावा हम बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क की, तो अपर डिवीजन क्लर्क में आपको बताया डिग्री है और स्किल प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होनी चाहिए। स्किल टेस्ट आपको होगा 21 से 30 एज लिमिट इसमें भी बोली गई है। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर बात करें तो 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है और 12th के साथ साथ इसमें आपका 12th के साथ साथ 8000 की डिप्रेशन है वो आपके होनी चाहिए। 18 से 27 एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद बात करें हम जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी में बात करें तो यहाँ पर 12th के साथ साथ आपको 64 बार पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन में 11 बार पर मिनट आना चाहिए और इस जॉब पर जो गलतियाँ हैं वो आपकी 8% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से 30 एज लिमिट है। स्क्रूटनी कम फायर जमादार की बात करें तो यहाँ पर 12th मांगा गया है। 12th के साथ साथ आपको कुछ इस प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड आपको होनी चाहिए, 167 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 80 होनी चाहिए आपकी और साथ ही साथ आपको जो रेसिडेंशियल इलाके वाले हैं, जो रेसिडेंशियल हिल इलाके वाले हैं उनमें छूट यहाँ पर दी हुई है जो आपको लिखी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर दिख रही है। और आई आपकी 6x12 होना चाहिए, 28-27 लिमिट इसमें है। आप जो भी 28-27 लिमिट वाले हैं वो इसमें जा पाएंगे। स्टोर कीपर कम क्लर्क में बता दें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिजाइवर में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट में तो अच्छा रहेगा। 30 की एज लिमिट रखी गई यहाँ पर, एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया ग्रेजुएशन के साथ। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। अब यहाँ पे अंकों का डिवीजन बता देते हैं। 25 की आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस और जीए और जीएस, ठीक है, इंग्लिश आएगा 10 नंबर का, 10वीं लेवल पे है ये भी और 10वीं लेवल पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 20 नंबर का आने वाला है। रीजनिंग आएगी 25 नंबर की और सीएसएस फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी आपके सामने हमने कैसे सुनाई है और जो अच्छी लगी हुई है तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही ये वीडियो को आप शेयर कर भी ना भूलें, ठीक है। जो भी जानकारी अच्छी लगी हो शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टडी इन बाय दिस चैनल। और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।